कानपुर नगर से। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गीत गुनगुनाते हुए बॉलीवुड गायक अल्ताफ राजा जैसे लाजपत भवन मंच पर आए पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मौका था सक्कर वेलफेयर सोसाइटी एवं हनास प्रोडक्शन की ओर से आयोजित समारोह जा बेवफा जा का, जिसमें मशहूर गायक ने अपने सुरों से महफिल में समा बांध दिया। इसके बाद उन्होंने जा बेवफा जा आवारा हवा का झोंका हूँ तुम तो ठहरे परदेसी एक से एक बढ़कर गीत गाए, जिन्हें सुनकर शहरवासी झूम उठे। सोसाइटी की डायरेक्टर नूरी शौकत ने बताया कि संस्था की ओर से हर साल इस तरह का कार्यक्रम कराया जाता है। कार्यक्रम में गायिका दीपा शुक्ला, स्मृति तिवारी, आर्यन मनीष द्विवेदी और अनुज कुमार आदि लोग प्रस्तुति पेश की। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सकर फाउंडेशन, सकर वेलफेयर सोसाइटी और हनास प्रोडक्शन की मिसेस नूरी शौकत मैम के जरिए मैं आप लोगों के यहाँ रूबरू पेश हुआ हूँ। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो जो कश्मीर की वादी में बेपर्दा जो निकले हो, क्या आग लगाओगे? जो प्रोग्राम हम लोग करवा रहे हैं वो सकर वेलफेयर सोसाइटी, हनास प्रोडक्शन और यूफोरिकल वेव के एसोसिएशन के साथ हम करा रहे हैं। ये तीन ऐसे दम है जिससे हम लोग चाहते हैं कि कानपुर अपने टैलेंट को उभारे। सकर वेलफेयर सोसाइटी जो समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, बड़े बड़े मंच देता है ताकि हमारे लोग, हमारे शहर के बच्चे, हमारे शहर का टैलेंट, बड़े बड़े हम लोग सेलिब्रिटीज़ यहाँ बुलाते हैं ताकि उनको देख कर उनसे प्रेरणा ले के वो आर्टिस्ट उनको देख कर उनको अपने मंचों पर जगह दें। ये हमारा एम है कि अपने कानपुर को लोग इंडस्ट्री मुंबई जाके बनाते हैं। हम चाहते हैं इंडस्ट्री कानपुर में उतर आए। ये सकल वेलफेयर सोसाइटी, हनास प्रोडक्शन और यूफोनिकल वेव, इन तीनों की यही हुए हैं। और आपको मैं यूफोनिकल वेव के बारे में बताती हूँ। सकल वेलफेयर आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसी संस्था है जो हर एक के लिए हर कुछ करना चाहती है आप लोगों की दुआओं से, चाहे वो बेटियों की पढ़ाई हो, चाहे शादियाँ हो, चाहे खाने का इंतजाम हो, कुछ भी। और यूफोनिकल वेव हमारी कोरोना काल में जब लोग अपने अपने घरों में थे, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, म्यूज़िक का वो ज़रिया बनाया कानपुर शहर के हुनरबाजों को लेकर और उनके हुनर को पहचाना। राज गौरव जी यूफोनिकल वेव के हेड हैं, आप ही इंचार्ज हैं, आप ही यूफोनिकल वेव को आगे ले जा रहे हैं, इन्हीं करता जाता है। और जितना भी हम लोग सकल वेलफेयर सोसाइटी और यूफोनिकल वेव हनास प्रोडक्शन करते हैं, इसमें किसी से हम एक रुपए चंदा नहीं लेते हैं, किसी का कोई डोनेशन नहीं रहता है। हमारे जितने स्पॉन्सर्स रहते हैं दे आर फ्री स्पॉन्सर्स फॉर माइंड। ऐसा नहीं है कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको सम्मान देते हैं और हम उनसे अमाउंट लेते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। हम किसी से कुछ नहीं लेते, उनको सम्मान देते हैं क्योंकि वो उस अहदे पर हैं। तो यूफोनिकल वेव से राज सर, सकल वेलफेयर से मैं, और ये रहे हमारे इशरत अली जी जो हमारी सकल वेलफेयर सोसाइटी को हाथों हाथ लिए रहते हैं, उसके सारे कामों को मैनेज करते हैं। आई कैन से कि मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, ये सारे काम हमारे मैनेज करते हैं। और बहुत हमारा स्टाफ है सकल वेलफेयर में, हमारे इशरत भाई हैं, हमारे जावेद जी हैं, हमारी फौजिया जी हैं, शानू जी हैं, अबरार जी हैं, अशफाक भाई, बहुत से ऐसे लोग। और मैं अपनी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतना सपोर्ट करती है मुझे और यहाँ आज आप लोगों के सामने है। आज की शाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे किस प्रकार से जाएगा? जी बिल्कुल, अल्ताफ राजा जी मुंबई से आए हैं आप लोगों के लिए और मैं ज़रूर ज़रूर ये यकीन दिलाती हूँ कानपुर वाले बहुत इन्जॉय करेंगे। सकल वेलफेयर सोसाइटी के साथ साथ आपने यूफोनिकल वेव को सुना होगा, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुकी है। ये पिछले 1.5 साल से मिलियंस फॉलोवर हो गए हैं इसके, बड़ी बात है। ये यहाँ लोग एक YouTube पे अपना वीडियो डालते हैं तो फॉलोवर्स के डाले लग जाते हैं और यूफोनिकल वेव ने 1.5 साल में मिलियंस फॉलोवर्स कर लिए हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कानपुर के टैलेंट को उभार रही है और हम चाहते हैं अपने कानपुर वासियों से कि अगर आप लोग शोज करते हैं तो। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।